हाँ तो मित्रों, हम फिर स्टार्ट करें एक नए ब्रेन मैप के साथ, और इसके अंदर भी आप एलिफैटिक से रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने को सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक कंपाउंड से, और मेरे यहाँ पर कंपाउंड है एसीटोन, यानी CaCCOOCH3। इस एसीटोन के रिएक्शन अगर आपने CaCOOH से रखा एसिडिक मीडियम में, तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा आपको, और यही यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद हाइड्रेशन कर दिया तो आपको हेमी एसिटेल मिलेगा। क्या मिलेगा? हेमी एसिटेल। ये हेमी एसिटेल का मतलब ये एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसी हेमी एसिटेल की रिएक्शन वापस आपने किसी भी ROH से कर दिया या CaCOOH के साथ कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो आपको जो आपका हेमी एसिटेल है वो किस में कन्वर्ट होगा? एसिटेल में। एसिटेल का मतलब है एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं OR OR। तो ये आपके पास हो गया कंप्लीट एसीटेल। अब आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन की अगर रिएक्शन SeO3 सेलेनियम ट्राईऑक्साइड के साथ अगर आपने कराई विद हीटिंग, तो आपके पास जो अल्फा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपको देखने को मिल रहा है कि एक कार्बन कार्बोनाइल था पहले, और बगल वाला भी यानी पास वाला भी आपके पास कार्बोनाइल में चेंज हो चुका है। तो आपके पास अब CaCC COO, और जो यहाँ CaC था वो भी COOCH में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी सेलेनियम और H2O में अलग से कन्वर्जन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने यही कार्बोनाइल जो कंपाउंड है एसीटोन है, इसका KOH के साथ हीटिंग किया, ध्यान से सुनिएगा, KOH पहले करना है और फिर बाद में हीटिंग करना है, तो एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास पूरा एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिला है, क्योंकि आपने हीटिंग भी करा है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, वही मुझे यहाँ पर मिला है। अगर मैंने यहाँ पर Br2 इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया, तो अल्फा हाइड्रोजन Br से रिप्लेस हो जाएगा, और वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर नेक्स्ट, अगर यही आपने कार्बोनाइल ग्रुप को यानी एसीटोन को रिडक्शन कराया, किससे कराया? एक बल्कि एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, लेकिन साथ में आपने अल्कोहल रखा, तो जो अल्कोहल रखा वो तो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कार्बोनाइल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। इसको हम बोलते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं MPV रिडक्शंस, यानी मैक्रीन पोंड्रोफ रिडक्शंस रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो किस में चेंज हो चुका है? अल्कोहल में। अब अल्कोहल का आपने रेड फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराया, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? अल्काइल हैलाइड, यानी कि आपका OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर यही एसीटोन को हम अलग तरह से देखना चाहें तो कैसे बनेगा? चलिए कुछ और देखने को मिलता है। तो हमारे पास, हमने स्टार्ट किया यहाँ पर कैसे, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को अगर मैंने ऑक्सीडाइज करा तो क्या बन जाएगा? PCC। और ये प्रोपेनॉल मुझे कहाँ से मिलेगा? 2° अल्काइल हैलाइड, जिसका एक्वास KOH के साथ रिएक्शन कराया। अच्छा, यही अल्कोहल को अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो SOCl2 क्या करेगा? OH को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर आपके पास डॉर्जन्स प्रोसेस कहलाएगा। OH रिप्लेस होके उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl, यानी अल्काइल हैलाइड। बाकी आपके पास SO2 और HCl अलग हो जाएगा। इसमें बनने वाले प्रोडक्ट गैस हैं, तो हमारे पास यील्डिंग अच्छी रहेगी और सिस्टमेटिक भी रहेगा। तो ये हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, एक एल्कीन लिया है मैंने प्रोपीन, उसको परोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो परोक्साइड में देखिए परोक्साइड HCl के साथ क्या है, तो आपके पास मार्कोनिक ऑफ होगा, यस और नो? और इसी जगह परोक्साइड HBr के साथ रिएक्शन करा है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ यानी खराश इफेक्ट आपको तभी देखने को मिलता है जब HBr विद परोक्सी एसिड या परोक्साइड आपको कोई कंपाउंड मिले। ध्यान से सुनना, HI एंड HCl डज नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो परोक्साइड सिर्फ आपको HBr में ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पार्ट रहा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, यानी हमारे इस तरफ हमने क्या लिया यहाँ पर, इस तरफ
हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और हमने बहुत सारी रिएक्शन कार्बोनाइल की देखी है। कार्बोनाइल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन देखा, तो जिंक अमलगम के साथ हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शंस, यानी एल्केन मिलेगा। लेकिन अगर यही रिडक्शन हाइड्रोजन और KOH के साथ करेंगे तो वुल्केशनर रिडक्शन आपको मिलेगा, तो वुल्केशनर रिडक्शन हो गया। यही रिडक्शंस अगर I2 और NaOH के साथ करा आपने तो आयडोफॉर्म टेस्ट होगा और आपके पास क्या मिलेगा, CHI3 और CH3COONa, यानी कि हमारे पास एक तरफ आयडोफॉर्म मिलेगा और एक तरफ हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर एक तरफ हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर हम यही कार्बोनाइल को NH2CH3 यानी एमीन से करें तो एमीन के दोनों हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल से रिप्लेस हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, इमाइन, IMINE। और इस जगह हम इसको बोलेंगे अमाइन को शिप बेस, क्या बोलेंगे, शिप बेस, यानी NH2 के दोनों हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल से रिप्लेस हो जाएंगे। और यहाँ हमारे पास जो 1 डिग्री था वो हमारे पास pH इस जगह है 1, 4 और 5 के बीच में। नेक्स्ट अगर NH2OH के साथ करेंगे तो pH हमारे रहेगी 4, 5, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यानी कि H दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास एक तरह से बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें इस तरह से आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पर ऐसे डाई और लिया, विसनल हम बोल सकते हैं, विसनल डाई और लिया, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अलग हो जाएंगे और हमारे को साइक्लिक एसीटेल देखने को मिलेगा। एसीटेल मैंने आपको पहले भी बताया, एसीटेल यानी एक ही कार्बन पे 2 OR, लेकिन वो R एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं तो हम उसे बोलते हैं साइक्लिक एसीटेल। अब आगे अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड जो था आपके पास उसको D2 और DO में रखा तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है जितने भी, वो सब ड्यूटेरियम से चेंज हो जाएंगे, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ आपके पास जितने भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, वो ड्यूटेरियम से चेंज हो जाते हैं। और अगर आपने यहाँ पर PH, CHO और KOH के साथ रखा तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ माइनस आई के यहाँ अटैच होगा और आपके पास इस तरह की रिएक्शन देगा। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास हो गया क्रॉस एल्डोल, यहाँ OH आएगा तो ये PHCOH हमारे पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर SCN के साथ रिएक्शन करा तो हाइड्रोसाइड क्या बोलेंगे हम, हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन एडिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको, और यहाँ पर साइनोहाइड्रिन हमारे पास एडिशन होके CN एक तरफ और एक तरफ क्या हो जाएगा, H अटैच होगा आपके पास, तो यहाँ H और यहाँ CN अटैच हो जाएगा, जिसका हाइड्रेशन करने पर CN का हाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है आपको, COOH, इज दैट क्लियर। तो आपको COOH देखने को मिलेगा साइनोहाइड्रिन के रिडक्शन से, हाइड्रेशन से, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर हम ऊपर से चालू करते हैं, हमें क्या मिला था, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जब हमें मिला था और हमने वहां से स्टार्ट किया, अगर हम उसको H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3COOH, CH3COOH को अगर आप I2 या कोई भी हैलोजन को एसिडिक मीडियम के साथ करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन आपके साथ क्या हो जाता है, हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है HVZ, हम इसको रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमने यहाँ पर इसका CO के साथ रिएक्शन करा तो कैल्शियम हमें सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम सॉल्ट को अगर गर्म करते हैं हम तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग होके वापस आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन ही देखने को मिलेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को पहले क्या कर रहे हैं, सिल्वर के साथ रिएक्शन करा के अगर आप यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट बना रहे हैं तो सिल्वर सॉल्ट की अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड मिलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड देखने को मिल रहा है और इसका नाम है हुंस डी का रिएक्शंस, इज दैट क्लियर। तो Br2 का एडिशंस होगा, सिर्फ Br2Cl2 ये रिएक्शन देंगे, I2F2 रिएक्शन नहीं देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या होगा इसके अंदर। तो जब आपने कैल्शियम सॉल्ट के साथ रखा यहाँ पर कॉर्नर में, देखते हैं तो क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये कैल्शियम सॉल्ट है, डाइजोमीथेन यानी CH2N2 एक तरह से कार्बिन की रिएक्शन है और कार्बिन की रिएक्शन होने से आपको यहाँ पर ये CH2 अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है ये बड़े कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम इसको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे।
ठीक है कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशंस। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशंस में जो बल्कि ग्रुप है, जैसे मैंने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का एक बहुत बढ़िया लेक्चर पहले ही अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 डिग्री वाला साइड में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन मिलेगा, ओ ई टू देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक तरह से कार्बोनाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, एस्टर में। अब ये हमारा एस्टर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हमारा यहीं फिनिश हो गया। दूसरी तरफ अगर हमारे पास, हम इस तरफ से आए थे साइनोहाइड्रिन के हाइड्रेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, उसको अगर हमने हीटिंग किया तो देखिए दो मॉलिक्यूल आएंगे, एक का OH और एक का COOH, इस तरह से लेते हुए और एस्टर बनाएंगे। तो वही एस्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास एस्टर बना। अब इस एस्टर का ध्यान से देखिएगा, इस एस्टर का आपने रिडक्शन कर लिया कोई भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको एक OH और वापस एक CH2OH मिलेगा। और अगर इसको आपने HIO4 से ऑक्सीडाइज करा तो ये आप जानते ही हैं ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दोनों को एक एक OH मिलेगा और दोनों ही कार्बोनाइल में चेंज हो जाएंगे। तो एक एसीटोन मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास पूरा रिएक्शंस हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नीचे की तरफ की चार्ट की। देखिए हमारे पास CsCHO है, सेलेनियम ऑक्साइड से करा तो पास वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हो गया। तो ये CHO CHO, अगर हमने इसका 2,4-DNP टेस्ट, आप जानते हैं 2,4-DNP रिडक्शंस ब्रेडिस रिएजेंट्स बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा NH2 NH2, लेकिन अब एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 2,4 यानी NO2 NO2 हमने लिया, ये 2,4 हमारे पास हो गया। ये है हमारे पास 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। तो अगर हम इससे रिडक्शंस करते हैं तो ये किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और यहाँ पर आपका जो येलोइश कलर है वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज रेडिश कलर ले लेगा ये, और येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज और येलो PPT आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपने यही कार्बोनाइल को NaHCO3 के साथ करा तो आपको वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मिलेगा PPT की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास, और अगर यही हमने इस तरफ रखा, देखिए एक मिनट, नीचे हमारे पास कहाँ हैं हम, यही चीज अगर हमने यहाँ पर फैलिंग टेस्ट दिया तो क्या ये पॉजिटिव रहेगा, हाँ। बेंजाल्डिहाइड फैलिंग नहीं देते, बाकी सारे एल्डिहाइड आपको फैलिंग देते हैं, भले वो फॉर्मल्डिहाइड हो या एसिटाल्डिहाइड हो। तो रिड्यूस होता है, मतलब रिएक्ट करता है विथ फैलिंग रिएक्शंस। तो यहाँ हमारे पास फैलिंग के साथ ये तो ऑक्सीडाइज होता है, फैलिंग रिएजेंट रिड्यूस होता है। आप जानते हैं फैलिंग रिएजेंट क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है सॉल्ट्स, और दूसरा कॉपर का हमारे पास सॉल्यूशन होता है Cu+2। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एमीन लें, 1 डिग्री एमीन हमने ले लिया HCl के साथ लिया, तो हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड यानी एक तरह से सॉल्ट बनेगा, जिसको अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा जाए तो ये हमें अल्काइल हैलाइड AgCl बनाता है, AgCl, और ये AgCl बन गया और वापस एमीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एहसास होता है, वाइट PPT बनता है कि ये टॉलेंट एस दे रहा है, बिल्कुल ये टॉलेंट एस आपको दे रहा है इस जगह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस तरफ पॉइंट पे, तो देखिए क्या पॉइंट हमारा है, यहाँ हमने किया, हमारे पास CsCHO का अगर Ag2O के साथ ऑक्सीडाइज किया, Ag+ एक तरह से हमारे पास है टॉलेंट रिएक्शन है, हमारे पास CsCOO- बनेगा, लेकिन मीडियम में एसिडिक करते CsCOOH बन जाएगा। PCl3 के साथ रिएक्शन करा तो एसिड हैलाइड बनेगा, एसिड हैलाइड नीचे डाइबोल के साथ रिएक्शन करेंगे, डाइबोल एक बल्कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये हमारे पास ज़्यादा रिडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ हमारे को किसमें करेगा रिडक्शन, एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में, और एसिड एल हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एसिड एल्डिहाइड। और हमने अब क्या करा, इसको 3 मोल HCHO के साथ Na2CO3 यानी हमारे लिए ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, इसके तीनों हाइड्रोजन एक एक करके इनसे अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, एक बार नहीं करके 3 बार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो तीनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, OH OH OH, और ये हमारे पास इस तरह से एक बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर यही चीज़ आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया आपने यहाँ पर, देखिए
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, रिडक्शन हो जाएगा और आपके पास फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, ये अल्कोहल में, लिथियम एल्यूमिनियम। और सोडियम के साथ करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, हाफ मोल H2 निकल जाएगा, ये O माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बन चुका है जो कि सब्स्टिट्यूशन दे सकता है SN2। और यहाँ पर हमारे को विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिखेगा, ETO ET देखने को मिलेगा। जिस ETO ET की अगर आपने HI के साथ रिएक्शन करी तो 2 मोल कंज्यूम होंगे, दोनों ही ET ETI में कंज्यूम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस जगह कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर PCl5 से अगर रिएक्शन करा या तो हम या PCl3 या SO2Cl2 से, तो हमारे पास CaCCOOCl बन जाएगा, जिसका रिडक्शन हम करेंगे कौन सा, रोजनमोंड रिडक्शन, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा CaCCHO। और एल्डिहाइड का अगर फर्दर रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया तो आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? आप डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते तो भी आपको अल्कोहल देखने को मिलता। तो ये रहा एक बेसिक सा चार्ट। एक और आगे हम जान करेंगे इस तरह से। हाँ तो मित्रों, आपको मेरा ये ब्रेन मैप आइडिया कैसा लगा प्लीज़ अच्छे कमेंट करके बताएं। और दूसरा पॉइंट, इस ब्रेन मैप जैसे ही आपको ब्रेन मैप और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम और बहुत सारे ब्रेन मैप लेके आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।